बाड़मेर के वन और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किया जा रहा प्रयास हर तरफ चर्चा का विषय है। जहां एक और विभिन्न कंपनियां और लोग अपने फायदे के लिए राजकीय वृक्ष खेजड़ी को काट रहे हैं, तो बाड़मेर शहर के वन प्रेमी खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। दरअसल बाड़मेर के गढ़रा रोड पर माता रानी भटियाणी का मंदिर बन रहा है। मंदिर के बीच में खेजड़ी का वृक्ष आ रहा है, लेकिन मंदिर कमेटी ने मंदिर का नक्शा बदलने के साथ खेजड़ी के वृक्ष की जड़ों तक निर्माण करवाकर उसे बचाया जा रहा है। पेश है सुरेश सिंह सोढ़ा की एक रिपोर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में विभिन्न विकास योजनाओं व सोलर एनर्जी के नाम पर बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ अन्य पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इन राज्य के कल्पवृक्ष को जड़ों सहित नेस्तनाबूत किया जा रहा है। यह घटनाएं हर पर्यावरण प्रेमी के लिए बेहद चिंतनीय और दुखदायी है। ऐसे ही समय में पर्यावरण को संरक्षित करने का एक नायाब कार्य भी हो रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने का राजस्थान के बाड़मेर शहर के जूना किराड़ू मार्ग पर एक काम हो रहा है, जहां इन दिनों माता रानी भटियाणी चैरिटेबल संस्थान की ओर से मादिसा धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। मंदिर के 60x80 वर्ग फीट भूखंड के बीचों बीच राज्य वृक्ष खेजड़ी का पेड़ आ रहा है। इस पेड़ को काटने के बजाय ये इनके इन प्रकार इन बचाने का प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य किया जा रहा है और बाकायदा इसे बचाया भी जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा एक खेजड़ी को बचाने के लिए न केवल मंदिर के नक्शे में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, बल्कि ट्रस्ट को इसके लिए 15 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार भी उठाना पड़ रहा है। 3 दिन पहले ही हिटाची मशीन लगाई गई है, जो इस पेड़ की दिशा में परिवर्तन कर गहराई में फाउंडेशन भरकर खेजड़ी के पेड़ की नींव को मजबूत कर रही है। 1 दर्जन से अधिक मजदूर पिछले 3 दिनों से यहाँ जुटे नजर आ रहे हैं। मंगलवार को इस दृश्य को जिसने भी देखा वह हृदय से अभिभूत नजर आया। साथ ही लोगों ने ट्रस्ट के प्रयासों की खूब खूब अनुमोदना की। ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वरूपचंद और पदाधिकारी सुरेश कुमार तेजमालता बताते हैं कि कुदरत को सहेजने के लिए हर एक पेड़ को बचाने की जरूरत है और वही ट्रस्ट कर रहा है। मादिसा का धाम मंदिर बना रहे हैं, ये खेजड़ी बताने के हमारे नक्शे के अंदर ये खेजड़ी आई थी। हमने नक्शे वालों को बोला हमारे को खेजड़ी चाहिए, मतलब पेड़ पौधे बताना हमारा उद्देश्य है। हमने आज 1 साल पहले यही पौधे अभियान चालू किया था। अभी हम अगर हटाए तो हम मूर्ख बनते हैं ना, इसके लिए हमने ये खेजड़ी बचाने के लिए कल से ये हमने अभियान चालू किया। किरण कल से लगी है और 4 दिन तक इधर ही लगी रहेगी। फाउंडेशन भर रहे हैं ये, मतलब चारों ओर राउंड से में फाउंडेशन भरेंगे और खेजड़ी के चारों ओर मतलब 3-3 फुट पर रेती छोड़ेंगे उस हिसाब से। स्वरूप जी, इसको इस तरीके का नुकसान डिजाइन पूरी इस तरीके से चेंज करवाई? नहीं, थोड़ी चेंज कराई है डिजाइन, बाकी सेम डिजाइन हमारे, वो जगह थोड़ी ज़्यादा जा रही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी पीछे और जमीन मिल जाएगी हमारे को, जो बनाना है वो बना सकते। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दर्जनों लोग एक खेजड़ी को बचाने के लिए जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह रहता है कि इस मंदिर निर्माण के बीच में आ रही खेजड़ी को बड़ी ही शिद्दत के साथ बचाया जा रहा है, तो सरकारें और निजी कंपनियां दूसरे पेड़ पौधों को क्यों नहीं बचा सकती?